तो आज हम ओपन करने जा रहे हैं हमारे जो आर्ट्रियोज की, मैंने जो फ्लिपकार्ट से जो पेपर्स मंगवाए थे वो पेपर्स हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं आज। आज उसका पार्सल आया हुआ है, तो टोटल उसमें 42 शीट्स है, कुछ A3 साइज की है, कुछ A4 साइज की है और कुछ A5 साइज की है। तो A5 साइज की ज़्यादा है, तो अनबॉक्सिंग करते समय हम देख ही लेंगे कि कौन सी कितने साइज की है और कितनी क्वांटिटी में है। तो ये टोटल मुझे मिलाकर 450 रुपये को मिल गया है, तो उसकी अनबॉक्सिंग आप हम कर जाए। तो चलिए अनबॉक्सिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमने फाड़ दिया है उस पार्सल को, बिल निकला है इससे पहले, फिर हम निकालेंगे। ऊपर वाला कवर निकाल दिया है, अच्छी तरह से पैकिंग की हुई है इस पेपर को। पेपर की पैकिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है, कुछ ख़राब हो सकते हैं पेपर, इसलिए अच्छी तरह से पैक किया गया है। इसी तरह की पैकिंग आप अपने और ड्राइंग्स भेजने के लिए, कमीशन वर्क भेजने के लिए कर सकते हैं। तो ऊपर वाला कवर भी हमने हटा दिया है। ये है A6 A3 साइज़ की शीट, सबसे बड़ी A3 साइज़, फिर ये उससे छोटी A4 और उससे छोटी A5। ये है A6 साइज़ की, 6 पेपर आए हैं मुझे, फिर A5 और A4। फाइनली अनबॉक्सिंग हमने कर दी है, तो अभी मैं एक एक पेपर आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो पहले देखो, जो हमारे 3 साइज में पेपर है, A3 साइज, A4 साइज और A5 साइज में। तो A3 साइज जो साइज होती है वो इस प्रकार की होती है, A3 इतनी बड़ी होती है। इसमें टोटल मुझे 6 शीट्स मिले, 6 शीट के साथ इसमें A3 साइज है, ये दिख रहा होगा इधर A3 साइज, उसमें जो सेंटीमीटर दिखा है 29.7 एंड 42 सेंटीमीटर होता है उसमें। तो ये 300 GSM वाला पेपर है, दिख ही रहा होगा 300 GSM वाला पेपर है। फिर बाद में हम इसको देखेंगे, ये जो है ये 24 शीट्स में जो मिली है, A5 साइज की ये शीट से देखो इतना बड़ा साइज होता है A5 साइज का, ये भी 300 GSM। अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 14.8 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर इसका साइज है। और तीसरा जो है हमारे पास 12 शीट मिले, एक और साइज वाली है, इसके साथ वाटर कलर पेपर है और 21 सेंटीमीटर और 29.7 सेंटीमीटर का साइज है। तीनों पेपर्स एकदम 300 GSM वाले हैं। आर्टरियोज का एक एसिड फ्री और हैंडमेड कोल्ड प्रेस्ड जो पेपर्स होते हैं वो सबसे अच्छे पेपर्स होते हैं, इसलिए हैंडमेड है, कोल्ड प्रेस है। और किस किस के लिए हम यूज कर सकते हैं, एक तो हमें ये वाटर कलर के लिए हम यूज कर सकते हैं, इंक कलर के लिए इंक यूज कर सकते हैं हम इस पर, एक्रेलिक एंड मिक्स मीडिया को हम इस पर यूज कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के पेपर जो हमने आज मंगवाए हैं।